आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। यहां पे जब 2 मार्च को पहला केस आया था तो जांच की सुविधा नहीं थी राजस्थान के अंदर। सैंपल हमको पूना भेजना पड़ा वायरोलॉजी लैब में। एक दिन बाद उसका रिजल्ट आया। उसके बाद ये डायरेक्शंस जारी किए गए हमारे विभाग को। जैसा हमारे विभाग के एसीएस ने अपने प्रेजेंटेशन में सारी डिटेल्स आपको बताई, 2 मार्च के बाद में राजस्थान में अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी खुद ने डेवलप करने की शुरुआत की। और आज 30 मई है, 17,650 टेस्ट हम लोग पर डे करने की स्थिति में आ गए हैं। इस महामारी में इसका कोई इलाज तो है नहीं, ना इसका कोई वैक्सीन आज की तारीख तक है। लेकिन जिस ढंग से माइक्रो मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है इसका बचाव ही इसका उपचार है, और ये बार बार आम आदमी के जहन में डालने की कोशिश की गई है। आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, आप बार बार साबुन से हाथ धोएं, कहीं भीड़ में एकत्रित ना हो। इन तमाम सावधानियों का पिछले 3 महीने में हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति ने अनुशासन के साथ पालन भी किया है। और जो हमारी टीमें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक अधिकारी है, जिस तरह से एक टीम भावना के रूप में राजस्थान में काम हुआ है, इसीलिए आज तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें, जब हम अमेरिका जैसे संपन्न देश की तरफ देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे से कई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हैं, वहां जिस तरह से लोग मरे हैं और जिस तरह से उनका कॉलेप्स हुआ सिस्टम, उस दृष्टिकोण से चाहे भारत की तुलना करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरह के हमने कदम उठाए हैं, जिस तरह राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रखा है, इन टीमों ने रात दिन जो मेहनत की है, 2 मार्च को जैसे ही केस आया, हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां रैपिड रिस्पॉन्स की टीमें गठित की गई, तत्काल उनको हॉटस्पॉट पे भेजा गया। जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बना के 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का दायरा तय करके और जिस ढंग से इसको कंट्रोल करने की, पहला पहला हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा, जिसकी चर्चा हुई, पूरी पूरी कंट्री में चर्चा हुई जिसकी, भीलवाड़ा मॉडल की। उसके बाद में रामगंज हमारा हॉटस्पॉट बना। अब यहाँ की बसावट जिस तरह की थी, बहुत ही मकान के अंदर कई कई सारी फैमिलीज रहती थी, अब यहां जिस तरह से स्प्रेड हुआ तो इसको दूसरे तरीके से हमने मैनेज किया। और आज रामगंज की भी तारीफ हुई, जयपुर की भी तारीफ हुई है, भारत सरकार तारीफ कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ फैसले लिए, राजस्थान में हर दृष्टिकोण से राजस्थान ने एक लीड रोल इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए उठाया। अभी जैसा कहा गया कि भाई लोकसभा में सारे सांसदों का 2 साल का सांसद कोष खत्म कर दिया उन्होंने, यहां मुख्यमंत्री जी ने 2 साल का विधायक कोष का पैसा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, ताकि आने वाली चुनौतियों का भी हम किस तरह से बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसको हम अवसर में तब्दील करें और हमारे प्रदेश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना मजबूती दे दें। अभी इसके लिए चाहे नई भर्तियों की बात है, डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, हमने 735 डॉक्टरों की भर्ती का काम पूरा किया, उनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में डेपुट किया। उसके बाद में करीब 12,500 ANM और GNM उनकी भर्ती की, वो कोर्ट में अटक गई, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया। उनमें से 3,500 की तो अभी भी पेंडिंग है, 9,000 लोगों को हमने पोस्टिंग दे दी, अलग अलग जिलों में डेपुट कर दिया उनको। अब लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे रेडियोग्राफर हो, उनकी भर्ती का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हुई है कि राजस्थान में जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हम बात कर रहे हैं, तो 2,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती की भी मंजूरी वित्त विभाग के द्वारा हमको मिल गई है और उसकी भर्ती का काम भी शुरू हो गया है। अब चुनौती क्या है, देखो राजस्थान की जनता ने बहुत अनुशासन का परिचय दिया है। 3 महीने का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, जिस तरह का भय और डर का वातावरण बना आम आदमी के अंदर,
उसमें जिस अनुशासन का परिचय, जो जो हमने एडवाइजरी जारी की, यहाँ से जो निर्णय किए, उन निर्णयों की अनुपालना राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत अनुशासित व्यक्ति के रूप में की है, और वही कारण रहा है कि आज ये संक्रमण को हम यहाँ रोक पाए हैं। अब टेस्टिंग फैसिलिटी की बात है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये 33 जिलों में होना चाहिए, पूरे राजस्थान के हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए। आज 21 जगह पर हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर चुके हैं, और जैसा अभी ACS ने कहा कि आने वाले 6-7 दिन में 25,000 टेस्ट पर डे करने की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। अभी जैसा मैडम विनु गुप्ता जी ने कहा क्वारंटाइन फैसिलिटी के बारे में, करीब 11 लाख लोग अभी इसी मई के महीने में, जहां हॉटस्पॉट था महाराष्ट्र में बंबई से है, गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, उन जगह से जहां पर सर्वाधिक संक्रमण है वहां से लोग आए, 11 लाख के करीब लोग आए, और वो गांव जो हमारे सुरक्षित थे उन गांवों में भी उनके आने से ये संक्रमण फैला। लेकिन जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज को जिस ढंग से हमने यहाँ अंजाम दिया गया, और सबसे ज्यादा बधाई ग्रामीण इकाई जो जहाँ पर कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, जिसमें हमारे सरपंच साहिबान हैं, प्रधानाध्यापक है, वहाँ के ग्राम पंचायत के सचिव हैं, पटवारी हैं, BLO है, या वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGO से जुड़े लोग हैं, हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम है, या पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों ने जिस जागरूकता का परिचय दिया, होम क्वारंटाइन में रखा गया, पड़ोसियों ने साथ दिया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उनकी बेहतरीन व्यवस्थाएं राजस्थान में की गई। इक्की दुक्की घटनाएं तो होती है, कहीं कोई कमी रह सकती है, लेकिन इंटेंशन ये था कि राजस्थान को संक्रमण से बचा के रखें हम। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो ये संक्रमण एकदम फैलता है, आप खुद जानते हैं कि इसका फैलाव एकदम होता है, उसको हम संक्रमण को बचा के रख पाए, और आज प्रदेश सुरक्षित है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि ये जुलाई और अगस्त का महीना है, जिसमें मौसमी बीमारियां वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, अभी हमारे लिए चुनौती का समय और है। ये जून का महीना है, ये ग्राफ डाउन भी आ सकता है, अभी फ्लैट हो रहा है, एक्टिव केसेस का ग्राफ डाउन भी जाएगा, लेकिन फिर जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने हमारे लिए फिर चुनौतीपूर्ण होंगे, इसलिए क्योंकि इस बीमारी में ना वैक्सीन बना है कोई, ना इसकी कोई दवा आई है, तो इसमें सावधानी बचाव है। और बार बार इसीलिए हम हाथ धोने की बात करते हैं, 2 गज की दूरी की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, उसमें राजस्थान की जनता ने जागरूकता का परिचय दिया, और ये सावधानी हमको आने वाले समय में भी नहीं छोड़नी है। जिन जिलों में अभी प्रवासी राजस्थानी आए हैं या माइग्रेंट लेबर आए हैं, उन जिलों में जल्दी टेस्टिंग फैसिलिटी कैसे शुरू हो, उसके आदेश भी जारी हो गए हैं। तो ये जिले जैसे सिरोही है, जालौर है, नागौर है, हमारा जो गंगानगर है, अलवर है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, इन सहित 10 जिले हैं जिनके आदेश जारी हो गए। अब इनमें प्राथमिकता के आधार पर जल्दी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका तक से कोबोस मशीन 8800 मंगाई है, एक मशीन की कैपेसिटी 4,500 टेस्ट पर डे करने की है, ये 2 मशीनें आ रही है, मेरे ख्याल से जून के पहले सप्ताह में आ जाएगी। तो टेस्टिंग के जितनी ज्यादा होगी, हमारी टीमें एक्चुअली जब 1 साल पूरा हुआ सरकार का, तो राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया, और हम उसकी तैयारी कर रहे थे, उसके लिए टीमें बनाई गई, करीब 27,000-28,000 टीमें राजस्थान में बना ली थी हमने, उनको हमने चिकित्सा मित्र का नाम दिया था, ट्रेनिंग का काम भी उनका हो गया, इसी बीच में ये कोरोना आ गया। उन टीमों ने जिस ढंग से एक्टिव सर्विलेंस का काम घर घर जाके पूरे राजस्थान में किया है, और ILI केसेस, खांसी जुकाम बुखार, इनके लोगों को चिन्हित करके और उनके सैंपल लेके टेस्टिंग करने का जो काम शुरू किया, उसी लिए राजस्थान बचा है। तो मैं तो आज बहुत लंबी बात नहीं करके यही निवेदन करना चाहता हूं कि हर कदम राजस्थान के एक एक व्यक्ति को, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए लिया जा रहा है, और जिस तरह से 100-200 मीटिंग हो चुकी होगी अब तक, हर रोज मॉनिटरिंग हो रही है CM साहब के लेवल पे, चाहे क्वारंटीन फैसिलिटी की हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, चाहे भर्तियों की बात हो, चाहे हमारी दूसरे बीमारियों के जो मरीज हैं, जैसा अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारा टीकाकरण का चलता है, हमारे प्रेग्नेंट बहनों के लिए जो कार्यक्रम चलता है, ये सब कार्यक्रम भी सफर नहीं करें। एक सुविधा हमने की टेलीमेडिसिन की, 8 बजे से 2 बजे के बीच में
जो हमारा ई मित्र है उससे उसको आके कोई भी आदमी हमारी जो 8 बजे से 2 बजे के बीच में जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे कंसल्टेशन ले सकता है। 500 ओपीडी वैन की बात की गई जो गाँव में घूम रही है, लाखों लोगों को उसका लाभ मिला है। और अब अधिकांश अस्पतालों को SMS अस्पताल सहित हम फ्री कर रहे हैं कोविड से, ताकि दूसरी बीमारियों के लोग वो भी परेशान नहीं हो, चाहे कैंसर के हों, चाहे हार्ट के हों, किडनी के हों। तो राजस्थान में जिस तरह की व्यवस्था हुई उसका सभी जगह पर अच्छा मैसेज है। और अब एक टीम के रूप में हम सब लोग मिलके, चाहे हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारा प्रशासनिक तंत्र है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम सब मिलके आने वाली चुनौती का भी मुकाबला सफलतापूर्वक करेंगे, ये उम्मीद है।